हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेस्पर थ्योरी। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप की थ्योरी पढ़नी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली भी आपको काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये टॉपिक हार्ड है, टॉपिक बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आप स्टार्टिंग से समझ के चलोगे तो बहुत ज्यादा ईजी लगेगा। जब आपको खत्म होगा तो आपको जब ये वीडियो खत्म होगी तो फॉर श्योर आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली वेस्पर थ्योरी इज। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही देख के लग रहा होगा कि दिस इज एक्रोनियम। ओके, दिस इज नथिंग बट एक्रोनियम, VSEPR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सबसे पहली चीज तो वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है V फॉर वैलेंस, वैलेंस, S फॉर शेल, वैलेंस शेल, E फॉर बच्चों आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, एंड लास्ट इज रिपल्शन, रिपल्शन। दैट इज इसका ये मतलब हुआ कि वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम से थोड़ा डॉट्स जोड़ने की कोशिश करो, वैलेंस शेल दैट मींस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मींस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके बीच में रिपल्शन की यूज करके कुछ थ्योरी बनाई हुई है। हाँ, या ना? दैट मींस वैलेंस शेल, यू नो वैलेंस शेल, लास्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल आप बोलते हो, और वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो दैट मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए। उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट मींस लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके रिपल्शन के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि वेस्पर थ्योरी का, वेस्पर का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एंड मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि क्या मतलब हो सकता है VSEPR का, मतलब दैट मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का एक्चुअल मतलब क्या हो सकता है जब हम असली थ्योरी पढ़ना चालू करेंगे। दो वी नो कि यहाँ पे मैंने पोस्टुलेट्स को लिस्ट डाउन कर रखा है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है वो सारी चीजें हम समझेंगे, बट या आपको एक आइडिया पढ़ना चाहिए कि क्या है। उसके अलावा क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों इसलिए पढ़ते हैं, बिकॉज ये बच्चों शेप के बारे में बताता है। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है जो हमें ये बता दे कि अगर मैं CH4 लिख दूं तो मैं इसको देख के बता दूं कि इसका एक्चुअल शेप क्या होगा। इस शेप के बारे में हमें कौन बताता है? वेस्पर थ्योरी बताता है बच्चों। तो वेस्पर थ्योरी हमें शेप को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्पर थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स है, एंड इन पोस्टुलेट्स को जब अच्छी तरीके से एग्जाम्पल में अप्लाई करके समझेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा वेस्पर थ्योरी क्या है, और बड़ी आसानी से वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में कर पाओगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कर पाओगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों हमारा है, दैट इज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। पोस्टुलेट्स क्या होती हैं? ठीक है, ऐसी चीजें जो हम अज्यूम करते हैं। तो पहली चीज है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड अराउंड सेंट्रल एटम। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोलता है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सपोज करो कि मैं एक एल बात करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो हमारे पास CH4 का एग्जांपल है। तो CH4 में सेंट्रल एटम क्या होगा बच्चों? जो कम है दैट विल बी सेंट्रल एटम, दैट इज कार्बन। ये सारी चीजें मैं डिटेल में अभी आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, अभी खाली मैं आपको पोस्टुलेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वैलेंस शेल में कितने, हमें पता है चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूँ। ठीक है, क्या बोलता है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, दैट मींस यहाँ पे ये चार है, दैट मींस ये चार है या यहाँ पे तीन है या यहाँ पे पांच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इससे बनने वाला जो CH4 का शेप होगा वो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है दैट इज क्रिटिकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड का मतलब अभी मैं आता हूं, जैसे बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड में क्या होता है कि देखो CH4 बनता है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं ना, तो दैट विल बी कॉल्ड बॉन्डेड। लेकिन अगर आपको अमोनिया याद हो तो अमोनिया में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पांच होते हैं। हाँ, या ना? लेकिन अमोनिया जब NH3 बनाता है तो खाली तीन ही बॉन्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये तीन बॉन्डेड पेयर हैं और ये आपका एक लोन पेयर है, दैट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एक पेयर, पेयर का मतलब लोन पेयर, जब बोलते हो तो पेयर में दो आ गया ना, तो एक लोन पेयर है जिसको आप नॉन बॉन्डेड बोलोगे। ठीक है, पहली चीज ये समझ आई, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि सपोज करो कार्बन पे चार इलेक्ट्रॉन है, अभी चारों इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सब एक दूसरे को रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा? इस तरीके से रिपेल करेगा, कोई भी दो चीज रिपेल करती है तो कहां जाकर रुकती है? जहां पे या तो फोर्स लगना बंद हो जाए या मैक्सिमम डिस्टेंस पे चली जाए, है ना। तो हमेशा अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे रिपेल करते हैं? दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्युपाई सच अ पोजीशन इन स्पेस दैट हैज मिनिमम रिपल्शन। अब वो इतनी दूर जाना चाहेंगे, सपोज करो कि मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि एक स्क्वायर है, तुम्हें चार चीजों को इस तरीके से रखना है कि सेंटर से मैक्सिमम दूर पे हो, तो तुम क्या करोगे? कॉर्नर्स पे रख दो आंख बंद करके, हाँ या ना, या तो यहाँ पे रख दो। दैट मीन्स चारों एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तभी तो मिनिमम रिपल्शन होगी। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है कि जब सारे नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को इस तरीके से रिपल करेंगे कि मिनिमम रिपल्शन हो जाए। मिनिमम रिपल्शन कब हो जाएगा? जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, सब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको ये याद रखना, जब वेस्पर थ्योरी आएगा तो बच्चों इसको आपको लिखना पड़ता है पेपर में। नेक्स्ट इज द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज ऑन स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूं। देखो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं बच्चों कि सपोज करो कि मैं CH4 है, ठीक है। तो CH4 में मैंने बोला कि कार्बन को सेंट्रल एटम, तो उसको हमेशा एक स्फीयर से डिनोट करते हैं। ये आपका एक स्फीयर हो गया, ठीक है। और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो डॉट के फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ आएगा पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज इफ इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मींस मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द टू और थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। ये पॉइंट जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा ना बच्चों, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा ये पॉइंट और वहां पे आपको क्लियर करूंगा। यहां पे थ्योरेटिकल इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, ये जब मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूं तब आपको ये पॉइंट वहां पे समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है वेयर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी इज एप्लीकेबल। ये बस आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि याद रखना कि आपके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना उस पर वेस्पर थ्योरी हमेशा अप्लाई होता है। दैट मींस अगर वेस्पर इस चीज पे अप्लाई हो रहा है तो वेस्पर थ्योरी इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई होगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज मोर और लेस इंफॉर्मेशन जो आपको बताई गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पोस्टुलेट क्लियर होंगे क्या है। लास्ट में एक चीज याद रखना, क्योंकि जब हम रिपल्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के रिपल्शन कितने ज्यादा होते हैं। तो हमेशा याद रखना जो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है बच्चा, दैट इज लोन पेयर। दैट मीन्स अगर कोई ऐसी चीज जिसमें दो लोन पेयर है, एग्जाम्पल के लिए वाटर, जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, आप सबको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बच्चों। और हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड इसके साथ बना लेना, हाइड्रोजन ने बॉन्ड इसके साथ बना लेना, तो यहाँ पे देखो दो लोन पेयर है। तो जहां पे लोन पेयर होगा वहां पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बॉन्ड एंगल जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उससे कम बच्चों होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, जैसे यहाँ पे इन दोनों का सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा और उसके बाद उससे कम होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं जो बॉन्ड में होता है। और सबसे कम ऑब्वियसली किसका हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड पेयर का। तो ये सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर करेंगे, दैट मीन्स इन दोनों बॉन्ड में सबसे कम रिपल्शन होगा। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल डिटेल में अब पढ़ते हैं कि वेस्पर थ्योरी की हेल्प से आप कैसे बता सकते हो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना बच्चों, हमें दो चीजें पढ़नी है, हमें दो तरीके के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना। आई होप आपको सारे के सारे पोस्टुलेट और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होगा। नाउ जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं, तो हमें दो तरीके के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, वन विदाउट लोन पेयर। एक हमें ऐसे एलिमेंट्स के बारे में, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जिसमें लोन पेयर होते ही नहीं है, और एक ऐसे के बारे में वन विद लोन पेयर, ठीक है, एक ऐसे जिनमें लोन पेयर होता है। तो दोनों को अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं कि एक ऐसा जिसके पास लोन पेयर नहीं होता उसमें शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं, और एक ऐसा जिसके अंदर लोन पेयर होता है उसमें शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वन विद लोन पेयर। हम किसको स्टार्ट करेंगे? वन विद लोन पेयर। अब ध्यान से सुनना बच्चों जो भी चीजें बताई जाए आपको, ठीक है।
सॉरी वन विदाउट लोन पेयर। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन विदाउट लोन पेयर, वन विदाउट लोन पेयर। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल सॉरी जिसके पास लोन पेयर नहीं होता, उसका शेप हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे ऑब्वियसली अगर मैंने विदाउट लोन पेयर लिया तो हर केस में लोन पेयर आपके पास कितने हैं, जीरो है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहला एक ऐसा एलिमेंट देखो, अगर शेप की बात करते हो तो ऑब्वियसली दो बॉन्ड की बात करोगे क्योंकि अभी HCl का क्या शेप होगा, सिंपल सा ये तो लाइन हो गई ना, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कम से कम दो ऐसी चीजों की बात करेंगे जिसमें दो बॉन्ड है, जिसमें एंगल वैंगल के बेसिस पे डिसाइड हो कि वो लीनियर है या बेंट है या क्या है, ये सारी चीज आपको समझ आएगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर दो हो और लोन पेयर ऑब्वियसली कितना होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि हम बात ही उनके कर रहे हैं जहां पे लोन पेयर नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, जैसे सपोज करो BeCl2 है। अब अगर मैं BeCl2 की बात करूं तो जो बेरिलियम है ये सेंट्रल एटम होगा क्योंकि कम है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम जो है उसको सबसे पहले आप स्फीयर से शो करोगे और उसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, एज पर थ्योरी, एज पर पोस्टुलेट हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन जो स्फेयर के आसपास रहना है जिनको और एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करना है, तो वो कितने डिग्री पे होंगे बच्चों, ये दोनों हमेशा कितने पे होंगे, 180 डिग्री पे होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, हाँ है ना। अगर ऐसा होगा तो सपोज करो Cl जो जो अब इलेक्ट्रॉन यहीं पे अवेलेबल है, तो जो एक Cl है वो लेने कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से लेने आएगा, यहां से शेयरिंग करने आएगा, और दूसरा क्लोरीन यहां से लेने आएगा। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये बिल्कुल कैसा बन गया, Be एक Cl इधर और एक Cl इधर, बिकॉज यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई रिपल्शन कुछ नहीं है, इन दोनों में मैक्सिमम रिपल्शन है, 180 डिग्री पे होगा। अगर ये बच्चों 180 डिग्री पे होगा तो इसका शेप क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा कि BeCl2 लीनियर क्यों होता है। इसी तरीके से आप HgCl2 भी सेम कॉन्सेप्ट से आपका लीनियर हो जाएगा, बीच में Hg आ जाएगा और साइड में Cl एंड Cl। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर दो बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है, तो शेप आपका क्या आता है, शेप आपका लीनियर आता है, और ऐसा क्यों बनता है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट विल बी सेकेंड, जहां पे हम बात करेंगे जहां पे बॉन्ड पेयर तीन हो और लोन पेयर अभी भी जीरो ही रहेगा, क्योंकि हम बात ही ऐसे मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं जहां पे आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं हम BF3 का, ठीक है, बोरोन टेट्राफ्लोराइड। अगर आप बात करो BF3 का तो B जो है बच्चों बोरोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके तीन हुए। तो अगर आप इसको सर्कल से इस तरीके से स्फीयर से डिनोट करते हो और आपको बोलूं कि तीन पॉइंट इसके आगे पीछे ऐसे प्लेस करो कि सारे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो आप एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो कोने होते हैं वहां पे बना दोगे, क्योंकि इसके अलावा तो सारे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं रह सकते, तो ये होगा। अब इस केस में अगर फ्लोरीन आके लेगा तो एक यहां से लेगा, एक यहां से लेगा और एक यहां से लेगा, तो इस केस में बच्चों शेप कैसा बना, एक ट्रायंगल बना है आपका, एक आपके पास ट्रायंगल बना है जो एक प्लेन में है, एक ट्रायंगल बना जो एक प्लेन में है, तो जो शेप होगा बच्चों दैट विल बी कॉल्ड ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। पिछले केस में बच्चों एंगल कितना था, 180 डिग्री, यहाँ पे ऑब्वियसली पता है कि ये पूरा 360 है, तो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा सारा का सारा एंगल बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको एंगल कितना आएगा और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा है, ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसी को क्लियर फ्रेम कर लेता हूं मैं, एंड थर्ड पे चलते हैं जहां पे हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जहां पे हमारे पास बॉन्ड पेयर चार हो एंड लोन पेयर जीरो है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास एग्जांपल आता है मीथेन का। अब अगर आपसे पूछूं कि कार्बन एक सेंट्रल एटम है जिसके चारों तरफ चार पॉइंट बनाओ, तो आप एक बार को ये बोल सकते हो कि इस तरीके से ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। बट मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखना तीन पॉइंट स्पेस में कहीं पे भी रखोगे ना, तीन पॉइंट स्पेस में कहीं पे भी रख लो तीन पॉइंट, और अगर उनको जोड़ दोगे ना तो वो हमेशा तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करेगा। दैट मीन्स तीन पॉइंट को इस पूरे स्पेस में कहीं पे भी रखो, उन तीनों पॉइंट को जोड़ दो, जो जोड़ने के बाद जो सरफेस आएगा वो हमेशा एक प्लेन में होगा, तो दैट मीन्स वो हमेशा 2D में रहता है। जैसे ही चौथा पॉइंट आ जाता है ना, तो आपको 2D से निकल के 3D में सोचना पड़ता है। और ये जो आपने प्लस बनाया ना इस तरीके से, दिस इज इन 2D, 2D में अगर आपको बोले चार पॉइंट को मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक पॉइंट का अराउंड रखना, तो बिल्कुल आप प्लस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप बात करते हो, अगर आप बात करते हो 3D की, तो ध्यान रखना 3D में चार पॉइंट एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे होते हैं। सपोज करो कि एक ये सेंटर है, ठीक है,
तो क्या होगा कि आपके पास एक लाइन तो ऊपर जा रही होगी, एक लाइन ऊपर, ठीक है, एक लाइन ऊपर मतलब एक पॉइंट ऊपर। उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट बच्चों, ये जो दो मैं ब्लू बना रहा हूं ना, ये प्लेन से बाहर की साइड आ रहे हैं, जो फनल होता है ना फनल, प्लेन से बाहर की साइड आ रहे हैं, ठीक है। और एक जो ये पॉइंट है, सपोज इसको इसको मैं फनल पीछे अंदर कर रहा हूँ, तो जैसे अगर सपोज इसको जोड़ दो तुम इस तरीके से, तो आई होप आपको समझ आ गया तीन पॉइंट कैसे हैं। ये क्या है, एक स्टूल की तरह, जैसे मान लो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, जहां पे ये ऐसे है, ठीक है, ये तीन पॉइंट और एक ये, तो चार पॉइंट को अगर आपको 3D स्पेस में बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो उस शेप को आप क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हो, जहां पे ये प्लेन पे होता है, ये दो प्लेन के बाहर होता है और ये प्लेन के अंदर होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये प्लेन पे ही है, ये प्लेन के बाहर आ रहा है और ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ये दोनों प्लेन के बाहर आ रहा है और ये ऊपर है। तो इस तरीके का शेप जो होता है टेट्राहेड्रल कहलाता है बच्चों। इस शेप को क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हो आप, टेट्राहेड्रल बोलते हो। और चार पॉइंट के लिए हमेशा यही बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 3D में। तो अगर CH4 की बात करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से प्लस के सिंबल में नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के लिए एक पॉइंट ऊपर, यहाँ पे एक, दो पॉइंट प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक अंदर की साइड, पीछे की साइड जाएगा इस तरीके से। तो ये जो शेप है दैट इज कॉल्ड बच्चों टेट्राहेड्रल, ठीक है। और याद रखना टेट्राहेड्रल में जो सारे के सारे एंगल हो, तो कोई सा भी एंगल ले लो, कोई सा भी, चाहे ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, कोई से भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल हो गए, तो टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा वो 109.5 डिग्री ही होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि चार बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर के केस में कैसे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट विल बी आपका ऑब्वियसली आपके पास पांच बॉन्ड पेयर है। आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, पांच है, एंड लोन पेयर कितने हैं, जीरो है। एग्जाम्पल आपका बच्चों क्या हो जाएगा, PCl5। अगर आप फॉस्फोरस की बात करो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, पांच इलेक्ट्रॉन है, पांच ही लेने वाला है आगे, दैट मीन्स कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो इस केस में जो बच्चों सपोज करो कि ये फॉस्फोरस है, अब इस केस में पांच पॉइंट कैसे बिल्कुल आप सिमेट्रिकल रखते हो, तो देखो एक तो आप ट्राइंगल बना लेते हो, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इस तरीके से बिल्कुल 120 120 120 वाले, ठीक है। ये आपका P हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और ये प्लेन में है, ये अंदर की साइड जा रहा है, ये बाहर की साइड आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तीन पॉइंट हो गए। अब आपके पास दो पॉइंट और बचे, तो एक पॉइंट बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एक पॉइंट ऊपर हो जाएगा, एक पॉइंट आपका ऊपर हो जाएगा और एक पॉइंट नीचे हो जाएगा। तो अगर एक पॉइंट के अराउंड पांच आपको पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस पर सबको बराबर रखना है, तो तीन को तो प्लेन में लगा दो ट्राइंगल का और एक कर दो ऊपर, एक कर दो नीचे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस शेप को क्या बोलोगे बच्चों, देखो ये एक क्या है, ट्राइंगल है नीचे। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऊपर के किसी पॉइंट से जोड़ दूं इस तरीके से, तो ये बच्चों क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। आपने गीजा का पिरामिड देखा होगा ना, और एक ऊपर पिरामिड बनेगा, देखो एक ऐसे, एक ऊपर की साइड पिरामिड बनेगा और एक नीचे की साइड पिरामिड बनेगा, है ना। तो एक पिरामिड है, पिरामिड अगर आपको पता हो तो गीजा का पिरामिड का शेप बेस जो है वो स्क्वायर बेस है, ठीक है। बट यहाँ पे जो पिरामिड बना है वो ट्राइंगल बेस का बना है। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल है, लेकिन एक पिरामिड नहीं दो पिरामिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ध्यान से देखना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करूं तो अगेन मैं थोड़ा सा क्लियर बना लेता हूं। आपके पास फास्फोरस, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन नीचे है, ठीक है। ये इस तरीके से ट्राइंगल शेप में है, ठीक है, और इसको जब जोड़ दोगे तो पिरामिड बनेगा। तो ये एंगल कितने के होंगे बच्चों, 120 डिग्री के, और ऑब्वियसली ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इसमें दो टाइप के एंगल होते हैं, 120 डिग्री वाले भी एंड 90 डिग्री वाले भी। आपको ये भी समझ आया होगा बच्चों कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप कैसे बन गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा जहां पे हमारे पास लोन पेयर नहीं है, एंड दैट इज बच्चों जहां पे हमारे पास छह बॉन्ड पेयर है, ठीक है। हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, छह बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कितने हैं बच्चों, जीरो, ऑब्वियसली एग्जांपल ही हम ऐसे ले रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं SF6 की। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में छह इलेक्ट्रॉन, छह ही लेने वाले हो गए, हो गया। तो इसमें बहुत सिंपल है, जैसे हमने पीछे क्या करा कि पांच पॉइंट को नीचे ट्राइंगल बना के एक ऊपर,
एक ऊपर नीचे कर लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर बना लेंगे, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2D का स्क्वायर नहीं, ये दो पॉइंट प्लेन के बाहर आ रहे हैं, ये दो पॉइंट प्लेन के अंदर जा रहे हैं, स्क्वायर इस तरीके से है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर हो जाएगा, एक पॉइंट नीचे हो जाएगा, तो इसको भी बच्चों जोड़ोगे तो एक पिरामिड बनता है, तो इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं बोलते, उसके लिए एक स्पेशल नाम है, दैट इज बच्चों आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। इसको क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हो आप इसको, इस शेप को क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल। इसको आप इस तरीके से जोड़ दोगे तो ऊपर भी एक डायमंड जैसा बन जाएगा और नीचे भी एक डायमंड जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप। और आप सब पूछे ऑक्टाहेड्रल में क्या क्या बॉन्ड एंगल होंगे, तो सारे 90 होंगे, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसमें ओनली यू विल हैव 90 डिग्री। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि सब में क्या क्या शेप का नाम कैसे आ रहा है और उनमें एंगल कितने कितने हो रहे हैं। नाउ हम चलते हैं ऐसे एग्जाम्पल पे जहां पे बच्चों आपके पास क्या है, जहां पे आपके पास ऑब्वियसली क्या है बच्चों, आपके पास लोन पेयर है, और ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि कैसे हम लोन पेयर वालों को बनाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से कान खुले रखना, सुनना कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला जो है बच्चों, जो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, विल बी हैविंग एग्जाम्पल ऑफ ओ थ्री, विल बी हैविंग एग्जाम्पल ऑफ ओ थ्री, फर्स्ट एग्जाम्पल है ओ थ्री का। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि ओजोन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम सपोज ओजोन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, अगर आप देखोगे तो अगर आपको पता हो ओजोन का स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, ठीक है। और वहां पे हमें पता था कि हमने क्या बनाया था, यहाँ पे एक लोन पेयर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो आठ बचाने के लिए दो यहाँ पे चाहिए ही। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, तो याद है बच्चों सबसे पहले हमने ये पॉइंट क्लियर किया था कि मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा सिंगल की तरह ट्रीट किया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड को कैसे ट्रीट किया जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह। तो डबल बॉन्ड, कभी भी डबल बॉन्ड अगर सपोज एक ही साथ बना हो तो शेप पे कोई फर्क थोड़ी डालेगा। अगर मैं इसको बेंट बोल रहा हूं, सपोज ये हाइपोथेटिकली मैं कुछ बना रहा हूं, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बना लो, ये तो रहेगा शेप बेंट ही ना। तो इसी चक्कर में वो पॉइंट बोला गया कि मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओजोन का एग्जांपल लेते हैं। अब इस केस में बच्चों क्या हो गया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पूछा आपसे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपसे पूछा तो आप बोल रहे हो दो है, लोन पेयर आपसे पूछा तो बच्चों एक है। सबसे पहला काम क्या है, आप प्लस करो कि 2 + 1 कितना होता है, 3। अगर मान लो 3 प्लस कर लिया, और 3 करने के बाद आपको ये देखना है कि 3 वाला ढूंढो जिसके पास एक भी लोन पेयर नहीं था। जब आप 3 वाला देखोगे जिसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है बच्चों, तो उस केस में आपने शेप बनाया होगा ट्राइगोनल प्लेनर, आपने यही शेप बनाया होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप यहाँ पे भी वही काम कर लो कि एक ओजोन पे आपके पास ऑब्वियसली एक पे डबल बॉन्ड है, एक पे ये है, अब तीसरे पे बनाने को बचा क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया। तो दैट मींस एक्चुअल शेप ऐसा बनना चाहिए था जहां पे एक पे मैंने रख दिया ओजोन, एक पे रख दिया ओजोन, एक पे रख दिया ओजोन, और एक लोन पेयर भी तो है बच्चों, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें लोन पेयर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, लोन पेयर एक्चुअल शेप में तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, तो ये आपका शेप क्या हो जाएगा, दिखने में ऐसा ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज बच्चों, दिखने में होना चाहिए था इसको ट्राइगोनल प्लेनर, दिखने में क्या होना चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप क्या होता है इसका, बेंट होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम बच्चों करते हैं NH3 अमोनिया का, NH3 का करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे बच्चों 3 है, और लोन पेयर कितना है, 1 है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, तो 1 लोन पेयर बच गया। अब बताओ 3 + 1 को प्लस करोगे तो टोटल 4 आ गया। 4 के केस में हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल शेप बनता, बना दो टेट्राहेड्रल शेप। तो जब टेट्राहेड्रल शेप बनेगा तो बनना चाहिए था ऐसे नाइट्रोजन को, 3 जगह हाइड्रोजन आना है, 3 जगह हाइड्रोजन आना, लगा दिया मैंने, एक जगह आपका ऑब्वियसली कुछ नहीं बचा, तो लोन पेयर बच जाएगा। तो इसको बच्चों आप क्या बोल दोगे, लोन पेयर। अभी लोन पेयर बनते ही शेप में से इसका पार्टिसिपेशन तो खत्म हो गया, जब शेप में से इसका पार्टिसिपेशन खत्म हो गया बच्चों, तो ऑब्वियसली शेप क्या बच जाएगी, जो नीचे की वजह से बन रहा है, नीचे खाली क्या बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है जिसमें से एक पीछे है और दो आगे है। अब ये क्या बन गया, पिरामिड बन गया, ये एक पिरामिड बन गया। अगर नीचे से मैं इसका बेस जोड़ दूं, इसका बेस जोड़ दूं बच्चों, तो ये क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया। ठीक है, इसके एंगल के बारे में आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ बच्चों वाटर H2O। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसका ले रहे हैं दैट इज वाटर। अब इस केस में क्या होता है, वाटर के केस में, वाटर के केस में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बनाओ तो ऑक्सीजन में क्या होता है, छह होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसमें से बॉन्ड तो दो ही बना रहे हैं। तो जब बॉन्ड दो बना रहे हैं तो बच्चों बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना हो गया, दो हो गया, लेकिन चार इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गए। चार इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर बनेंगे, दो लोन पेयर बनेंगे, पेयर तो दो ही बनेंगे ना, तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, दो प्लस दो चार, चार के लिए बनता कैसा था, अगर एक भी लोन पेयर नहीं होता तो टेट्राहेड्रल, तो अगेन हमें टेट्राहेड्रल ही बनाना है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली सेंटर में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो किसी दो पे तो हमारा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर आ जाएगा और ऊपर भी लोन पेयर आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर लगा दिया। अब ध्यान से सुनना कि पिछले अमोनिया में सिमिलर सा स्ट्रक्चर था, एक लोन पेयर था। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, दो लोन पेयर है। ऑब्वियसली चीज है, इसको हमने बोला था ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ये तो सिंपल आपका बेंट स्ट्रक्चर हो गया ना, ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो गया, बेंट स्ट्रक्चर हो गया। बट ये जो एंगल है ना बच्चों, ये डिफरेंट हो जाएगा, आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर है तो कम रिपल्शन होगा। तो इस चीज को हम देखते हैं आगे। और ये सिंपल आपका शेप क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे बेंट शेप कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बेंट शेप कहलाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, एंड दैट इज आपका SF4। ओके, दैट इज SF4। आपसे पूछा जाए SF4 में कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, तो चार बॉन्ड बन रहे, तो बॉन्ड पेयर टोटल कितने हो गए, चार। और सल्फर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार बॉन्ड बन गए, दो इलेक्ट्रॉन बचे, दो इलेक्ट्रॉन का कितना लोन पेयर बनेगा, एक लोन पेयर बनेगा। चार प्लस एक पांच, अगर आपको याद हो पांच के केस में आपने क्या बनाया था, सेंट्रल एटम एक दो तीन, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये शेप बनाया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ध्यान से सुनना, अभी हमारे पास एक लोन पेयर है, तो हम क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली सेंटर में सल्फर आएगा, एक ऊपर फ्लोरीन, एक नीचे फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन और एक इधर फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे आप लोन पेयर डाल दो। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छा यही पे क्यों डाला, मेरे को तो यहाँ डालना है। देखो बच्चों, होता क्या है, आप डाल कहीं पे भी लो, लेकिन अल्टीमेटली एक्सेप्टेबल लास्ट में वो होती है जो आपका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। एंड ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि इस पोजीशन पे जब आप लोन पेयर को रखते हो तो लीस्ट स्ट्रेस्ड होता है मॉलिक्यूल एंड मोस्ट स्टेबल होता है। तो आप हमेशा इसी को कंसिडर करोगे जो आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों, अगर इसको मैं सीधा बनाऊ तो ये कैसा बन गया, इस तरीके का शेप बन गया। ये बच्चों का झूला होता है ना, जिसमें ये नीचे स्टैंड हो गया और यहाँ पे एक बच्चा बैठेगा और एक यहाँ बच्चे बैठेगा। तो इस शेप को आप क्या बोलते हो, सीसॉ। क्या बोलते हो आप इसको बच्चों, सीसॉ शेप। ठीक है, तो सीसॉ होगा। अब ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली 120 होना चाहिए था, ये 90 होना चाहिए था, लेकिन इस बॉन्ड, इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा इसमें क्या आएगा, रिपल्शन आएगा और उसके चक्कर में बॉन्ड थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी 90-120 मत मान के चलना, बट शेप आप इसको क्या बोलोगे, सीसॉ ही बोलोगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल विच विल बी CLF3। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी CLF3। अब आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में सात है, सात में से तीन ने बॉन्ड बना लिया तो तीन बॉन्ड पेयर हो गया बच्चों, और अगर सात में से तीन ने बॉन्ड बना लिया तो दो बचे, दो का मतलब दैट मीन्स सात में से अगर तीन ने बॉन्ड पेयर बना लिया तो चार बचे, और चार का मतलब दो लोन पेयर। ठीक है, पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो लोन पेयर हो गए, तीन दो पांच। अगेन जब मैं पांच बोलता हूं तो कुछ ऐसा ही शेप बनना चाहिए कि ये सेंटर लिए इस तरीके से, ये तीन और एक ऊपर एक नीचे। अब अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो क्लोरीन बीच में लगाओगे आप, एंड फ्लोरीन को जब लगाना चालू करोगे बच्चों तो आप ये नोटिस करोगे कि एक यहाँ पे आपने फ्लोरीन लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, दो ये बच के इन दोनों जगह पे लोन पेयर आ जाएगा आपका। अब ये भी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन है कि ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो दो लोन पेयर आते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ऐसा सा शेप दिख रहा है, दिस इज, इसको आप बोलोगे टी शेप, इसको आप क्या बोलोगे, टी शेप मॉलिक्यूल। तो हमेशा चाहे लोन पेयर हो या ना हो, लोन पेयर अगर हो तो हमेशा ध्यान देना कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को प्लस करना है, एंड देखना है कि उस नंबर के लिए जब एक भी लोन पेयर नहीं था तब कैसा शेप बनाना है, और उसमें से अप्रोप्रिएट पोजिशन पे आपको लोन पेयर डाल देना, अपने आप आपको शेप दिख जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज BrBrF5। ठीक है, अभी BrF5 में क्या होता है, अगर आप देखो कि ब्रोमीन, अगेन इसमें F5 है, तो पांच आपके पास बॉन्ड पेयर हो गए, पांच बॉन्ड पेयर हो गए, पांच फ्लोरीन पांच बॉन्ड बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बच गए साथ में से। ठीक है, तो एक लोन पेयर बचा,
पांच प्लस एक छह, छह के लिए हमने कैसा शेप बनाया था कि हम स्क्वायर टाइप बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसी तरीके का शेप बनाया था। ऑब्वियसली जब एक लोन पे रखना है तो मैं क्या करूंगा, ब्रोमीन सेंटर में, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन एंड एक फ्लोरीन, एक ऊपर फ्लोरीन एंड नीचे आपका लोन पेयर। तो ये शेप कैसा बन गया, स्क्वायर और आपका ऊपर पिरामिड बन गया। तो इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलते हो, स्क्वायर पिरामिडल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। लास्ट एग्जांपल जो हम लेने वाले हैं आपको एंगल समझाने से पहले, एंड दैट विल बी XEF4। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है कि ये तो नोबल गैस है कैसे बना रहा है। आप जब पढ़ोगे बच्चों 12th में ही पी ब्लॉक, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। जब 12th में जाओगे आपको समझ आएगा कि कुछ एक्सेप्शनल केस में आपके नोबल गैसेस भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये आपको ऑक्टेट रूल के आपको लिमिटेशन में भी बताई गई थी। तो आपके पास है XCF4। अब चार बॉन्ड बनाए तो चार बॉन्ड पेयर बन गया, और आठ होते हैं तो आठ चार इसमें यूज हो गया, चार बचा, दैट मींस दो लोन पेयर हो गया, चार इलेक्ट्रॉन का दो लोन पेयर, चार प्लस दो छह। अगेन शेप वैसा ही बनना चाहिए कि सेंटर में आपका क्या होगा, ज़ेनन। आपको चार ही बनाने हैं बॉन्ड पेयर, तो एक आपने यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे बनाया। जो ऊपर और नीचे बनते हैं उन दोनों जगह पे आपके पास दो लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया जो प्लेन में है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि किस तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है, जिनके पास लोन पेयर नहीं है, किस तरीके से आप उनका शेप बताते हो वेस्पर थ्योरी को यूज करके। नाउ लास्ट में मैं जस्ट आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ जहां पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से लोन पेयर और इन सारी चीजों की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो ये बिल्कुल लास्ट चीज है हमारे जो वेस्पर थ्योरी में हम पढ़ेंगे। तो जैसे सपोज करो, हमें पता है कि अगर चार बॉन्ड पेयर हैं तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम चार है, तो अब इस केस में चार बॉन्ड पेयर हैं। अब मैं तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर की बात करूंगा तो वो भी कैसा होता है, वो अमोनिया होता है। अमोनिया के केस में हमने हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर ऊपर बना दिया। ठीक है, तो दिखने में ये भी ऐसा ही था, बस यहाँ पे लोन पेयर है तो शेप का नाम चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट वाटर के केस में दो बॉन्ड पेयर होता है आपके पास और दो लोन पेयर होता है, तो वाटर आपका HO, यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया और एक यहाँ पे लोन पेयर हो गया। ध्यान से देखो, है सारे एक ही तरीके के, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि इसमें आपके पास लोन पेयर जीरो है, इसमें आपके पास लोन पेयर एक है और इसमें आपके पास लोन पेयर दो है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है पीछे, हमने ये पढ़ा था कि जो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो जहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर है वहां रिपल्शन सबसे कम होगा। तो याद रखना बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल होता है CH4, इसमें 109.5 डिग्री के सारे एंगल होते हैं, बिकॉज लीस्ट रिपल्शन है। जब आप CH3 पे आते हो ना बच्चों, तो क्योंकि एक लोन पेयर आ जाता है तो रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन के चक्कर में ये एंगल सिकुड़ के 160 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 160 डिग्री हो जाता है। और वाटर के केस में और दो, मतलब आपके पास दो लोन पेयर आ गया और ज्यादा हो गया, तो ये जो बॉन्ड एंगल, एक ही बॉन्ड एंगल है, ये कम होके 104.5 डिग्री हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिया के रिस्पेक्ट, सॉरी CH4 के रिस्पेक्ट, मिथेन के रिस्पेक्ट में अमोनिया और अमोनिया के रिस्पेक्ट में वाटर का आपका बॉन्ड एंगल कम क्यों होता जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ लोन पेयर। और लोन पेयर रिपल्शन आपको पता है मैक्सिमम होता है एज पर वेस्पर थ्योरी, तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। आई होप बच्चों आपको इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज वेस्पर थ्योरी क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होता है, इसके पोस्टुलेट क्या होते हैं, इसकी हेल्प से हम किस तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है, जिनके पास लोन पेयर नहीं है, उसका शेप बता सकते हैं। तो दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर कि आप खुद से जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने बताए उनका उनका आप स्ट्रक्चर बनाओ, उनका शेप बनाओ और उनके शेप का नाम याद रखो, उसके बॉन्ड एंगल याद रखो। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।